हेलो दोस्तों, आज मैं कोई भी वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ दो लोगों का। ऐसा मुझे एक बंदे ने मुझे, जिसका नाम है सरताज पठान, जिसने मुझे वर्कशॉप किया था, जो ये वर्क है जिसका मैं फोटो आपके डिस्प्ले पे डाल देता हूँ। आप देखिए कि यहाँ तक इसने बिल्डअप किया और सब कुछ लास्ट में एंड होने के बाद जब ये फायरिंग से बाहर निकला तो ये इस तरह से चिप होकर निकला। तो ये क्यों ऐसे हो गया, मेटल धीरे धीरे ब्लैक होती गई, ये क्यों ऐसे हो गया। इसके ऊपर उसने मुझे पूछा कि ये राजेश भाई, ये कैसे, हमारा क्राउन लास्ट में अभी मुझे देना था और ये चिप ऑफ हो गया है, फायरिंग के बाहर निकल दे। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगा कि ये क्यों ऐसा होता है। और दूसरा में आज मुझे अब्दुल शेख करके, जो दाहोद के है, गुजरात से ही है, उसने मुझे बताया कि सर, मैं जब डॉक्टर को लास्ट में जब ट्रायल कर रही है ब्रीज देता हूँ तो डॉक्टर ट्रायल कर लेता है, उसके बाद जब मैं फिर से ग्लेजिंग के लिए फायरिंग में डालता हूँ तो मेरा क्राउन इस तरह से चिपो क्यों हो जाता है। तो मैं दोनों टॉपिक का सोल्यूशन आज मुझे, मैंने खुद पर्सनली अनुभव किया है, इसीलिए मैं बात करना चाहूंगा कि मुझे पता है, मैंने भी ये फेस किया है। तो पहली बात है, मैं ये जो सरताज पठान का प्रॉब्लम आया था कि इसने बिल्डअप किया और फायरिंग किया तो चिपो क्यों अंदर से निकला था, तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। तो उसमें क्या उसने गलती की होगी, तो आप है ना, एक ही क्रूसिबल से व्हाइट मेटल और सिरामिक मेटल दोनों का कास्टिंग करते हो तो ये प्रॉब्लम आता है। और दूसरा कि ज्यादातर लोग मेटल का जो पीछे का हिस्सा जो कास्टिंग के बाद बचता है उसको पिघला के ही करते हैं, तो व्हाइट मेटल और सिरामिक मेटल दोनों मेटल को वो भूल जाते हैं कि ये दोनों मेटल में से कौन सी सिरामिक मेटल थी और कौन सी व्हाइट मेटल थी। तो उसको भी ये लोग गलती से सिरामिक मेटल समझकर व्हाइट मेटल को पिघला डालते हैं, उसके बाद कोपिंग हो जाता है, फायरिंग करते हैं, ओपेक लगाते हैं, जैसे जैसे उसका फायरिंग बढ़ जाता है तो वैसे वैसे व्हाइट मेटल जलने लगती है और ब्लैक हो जाती है। इतनी ब्लैक हो जाती है कि उसके बाद ये ओपेक से ही छूट जाती है, उसकी जो बीच में राख आती मैश जो ब्लैक वाली, वो मेटल उस वहां से छूट जाता है ओपेक, और आपका फायरिंग लास्ट में ग्लेज में या ग्लेज से पहले का फायरिंग में ही, करेक्शन फायरिंग में ही आपका ये चिप ऑफ हो जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप है ना, ये दोनों क्रूसिबल अलग अलग रखिए, व्हाइट मेटल का क्रूसिबल अलग रखिए और सिरेमिक मेटल का क्रूसिबल अलग रखिए। और दूसरा, आप दोनों मेटल का जो बच जाता है हिस्सा फिर से पिघलाते हो तो पीछे, आप जब बीच से कट करते हो तो पीछे कुछ ऐसी डिजाइन बना दीजिए ओनली सिरेमिक मेटल में या ओनली व्हाइट मेटल में, ताकि जब भी आप उसको पिघलाओ तो आपको पता चले कि अच्छा, ये वाला निशान वाला गचिया पीछे वाला, ये सुप्रू जो भी आप बोलते हैं उसको, ये व्हाइट मेटल का है, तो आपका ये दोनों मेटल मिक्स नहीं होगा। तो ये बंदे सरताज पठान ने ये गलती की थी, इसलिए इसका ये प्रॉब्लम आया है। ओके, अभी दूसरी बात आई है, अब्दुल शेख जो दाहोद से है, उसने बोला कि डॉक्टर को जब हम ट्रायल के लिए देते हैं लास्ट में तो हाई पॉइंट जो भी निकाल कर डॉक्टर डन करते हैं, उसके बाद जब हम ग्लेज में डालते हैं तो हमारा वर्क चिप ऑफ या उसके अंदर बबल क्यों आ जाता है। तो उसके अंदर, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमको डॉक्टर एक ब्रिज देता है, जो ब्रिज निकल गया और टूट गया थोड़ा बहुत, और डॉक्टर निकाल के देते हैं और जब हम उसको ओपेक लगा के फायरिंग में डालते हैं तो सारा क्राउन चिप ऑफ हो जाता है, तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते सिरामिक का। तो ये दोनों स्टेप में आपको क्या करना चाहिए, जिसकी वजह, ये मेरा पर्सनल अनुभव है और ये 100% कारगर है। तो पहले जब डॉक्टर आपको ट्रायल के लिए दे या कोई चिप ऑफ हुआ थोड़ा बहुत क्राउन आ जाए तो उसको आपको क्या करना है, सैंड ब्लास्टिंग में, लो प्रेशर सैंड ब्लास्टिंग से उसके ऊपर सारा सिरामिक क्राउन के ऊपर सैंड ब्लास्ट कर देना है। ग्लेजिंग निकल जाए तो निकलने दो, कोई बात नहीं, अच्छी तरह से उसको लो प्रेशर में, हाई प्रेशर में मत लगाना, लो प्रेशर में, कॉन्टेक्ट में, सब जगह पे आप उसको अच्छी तरह से सैंड ब्लास्टिंग कर दीजिए। उसके बाद
आप उसको कोई शैम्पू है कोई हैंड लोशन है उससे आप ब्रश से उसको अच्छी तरह से उसको साफ करो और पानी से बहुत अच्छी तरह से उसको धो डालो। उसके बाद आप फाइलिंग करोगे, आपका कोई फाइलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो ये दो टिप्स है जो दोनों को जिसको जिस जगह पे प्रॉब्लम आता है, ये ना तो कोई यूट्यूब में कोई इसके ऊपर वीडियो बनाता है, तो ये पर्सनल आप कहीं सर्च मारोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये आप टिप्स को याद रखिए, तो ताकि आपको ये कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। ओके, और वीडियो एंड तक देखा तो आपका धन्यवाद।